हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पिज़्ज़ा मटरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा। यहाँ पर मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहे तो इसके बदले गेहूं का आटा या तो मल्टीग्रेन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीज क्यूब, यहाँ पर मैंने दो चीज क्यूब लिए हैं, लेकिन आप चाहे तो तीन चीज क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास चीज पाउडर अवेलेबल है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून चीज पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून तेल हमें चाहिए आटे में मोइन डालने के लिए, और दूसरा तेल हमें चाहिए पिज्जा मटरी को फ्राई करने के लिए। 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप मटरी में थोड़ा सा ज्यादा तीखापन पसंद करते हैं तो 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिज्जा सॉस, यहाँ पर मैंने विवा कंपनी का पिज्जा ऑन अ स्लाइस सॉस लिया है, लेकिन आपके पास जो भी कंपनी का पिज्जा सॉस अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए हम पिज्जा मटरी बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसके अंदर हमने जो मैदा लिया है वो डालेंगे। अब उसके अंदर हम चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम हल्का सा कम डालेंगे क्योंकि चीज में भी नमक रहता है और सॉस में भी नमक रहता है। तेल डाल देंगे। अब हम इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन को हम आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि हमारी मटरी एकदम खस्ता बनेगी। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो चीज लिया है उसे ग्रेट कर लेंगे। चीज ग्रेट करने के लिए बारीक वाला ग्रेटर इस्तेमाल करें जिससे कि वो आसानी से आटे के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, मैंने दोनों चीज को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हमने जो पिज्जा सॉस लिया था वो डालेंगे। अब इस पिज्जा सॉस को चीज के साथ में मिक्स करते हुए हम आटे के साथ में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। चीज को अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करें ताकि वो आटे के साथ में अच्छे से घुल मिल जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मिक्स करते जाएंगे जिससे कि हमारा आटा अच्छे से गूंद कर तैयार हो जाए। अगर आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो मटरी खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेगी। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद कर तैयार कर लिया है, और इसके लिए मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आटे को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे जिससे कि हमारा आटा मुलायम हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। तो हमारा आटा तैयार है। इसे ढक्कन ढककर थोड़ा सा साइड में कर लेंगे और इसे बेलने के लिए एक चकला ले लेंगे, बेलन ले लेंगे, और हमने जो आटा गूंथ कर तैयार किया है उसमें से थोड़ा सा आटा ले लेंगे। इसे हम अपने हथेली में हल्का सा मसल कर एक गोलाकार फ्लैट लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम रोटी के जैसे बेल कर तैयार कर लेंगे। इसे आप अपने पसंद अनुसार मोटा या तो पतला बेल सकते हैं। अब हम इसे पिज्जा कटर या तो नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसे पिज्जा स्लाइस के शेप में कट कर रही हूँ, लेकिन आप अपने पसंद अनुसार इसे किसी भी शेप में और इसे बड़ी या तो छोटी साइज में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे कितनी आसानी से पिज्जा स्लाइस के शेप में कट कर लिया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम एक फॉर्क या तो नाइफ ले लेंगे और हमने जो मटरी को बेलकर तैयार किया है उसको प्रिक कर लेंगे। इस तरह से मटरी को प्रिक करके बनाएंगे तो मटरी खिलेगी नहीं और एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए, मैंने सारी मटरी को प्रिक करके तैयार कर लिया है। इसे 5 मिनट के लिए सूखने देते हैं और तब तक तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डालेंगे। ये सिक रहा है, इसका मतलब है कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस को हम लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसके अंदर हमने जो तैयार की हुई मटरी है वो डाल देंगे। जिस तरह से हम मटरी को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं, उसी तरह से पिज्जा मटरी को भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन फ्राई होते ही हम इसे पलट देंगे और इसे उलट पलट करते हुए दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी पिज्जा मटरी दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। तो इसे एक किचन टॉवल में प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारी मटरी फ्राई होकर तैयार है। तो ठीक इसी तरह से बाकी की मटरी को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए ताकि हमारी मटरी अच्छे से पके और जले भी नहीं। तो अब हम दूसरी मटरी को भी फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी रोटी को भी बेल कर पीसेस में कट करके उसको प्रिक करके ले लिया है। इसे भी हम उलट पलट करते हुए दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आपने देखा ना कि पिज्जा मटरी बनाना कितना आसान है। अगर आप भी इस तरह से पिज्जा स्लाइस के शेप में कट करके बनाएंगे तो ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और इसमें मेहनत भी कम लगती है। तो हमारी मटरी दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन फ्राई होकर तैयार है। तो इसे भी हम किचन टॉवल पे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारी खस्ता क्रिस्पी और लाजवाब पिज्जा मटरी बनकर तैयार है। तो इस दिवाली पे आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको, घर वालों को और मेहमानों को ये पिज्जा मटरी कैसी लगी। हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।